नमस्ते भक्तों, आपका स्वागत। जय श्री स्वामी समर्थ, जय श्री गुरुवे नमः। संसार में जैसे को तैसा मिलता ही है, पर यह समझ घमंडी प्रवृत्ति वाले लोगों को नहीं होती। ऐसे लोग समझते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और उनका ये भ्रम तब टूट जाता है जब कोई समर्थ अधिकारी मिले। ये संसार, ये दुनिया इतनी फैली हुई है कि इसकी रचना समझाने और समझने के बाहर है। कैसे? इस सुंदर कहानी द्वारा चलिए जान लेते हैं। विदुरा नाम के राज्य का एक मुस्लिम राजा था। वो दुष्ट और निष्ठुर था। वो हिंदू ब्राह्मणों से द्वेष करता था। कुछ स्वार्थी ब्राह्मण राज दरबार में जाकर उसकी हांजी हांजी करते हुए वेद का पाठ करते और दक्षिणा मिलने के बाद लौट जाते। स्वामी कहते हैं, वेदों की महिमा जिस विद्वान को समझ में आती है वो कभी वेदों की बिक्री नहीं करता। जो ब्राह्मण स्वार्थी होता है उसे लोगों और तत्वों के विषय में कोई निष्ठा नहीं होती। ऐसे लोग पैसों के लोभी होते हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग राजा के समक्ष जाकर वेद पाठ कर पैसे लेते, और जो निष्ठावान ब्राह्मण रहते वो कभी भी पैसों के लिए वेद पाठ नहीं करते थे। उनको इन स्वार्थी ब्राह्मणों की ये बात और ये आदत अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन दो परदेशी ब्राह्मण उस राजा के पास आए। उन्होंने राजा को वेद पाठ कर दिखाया। तब से वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। उनको पुरस्कार भी मिला था। तब से उनमें अहम भाव बढ़ गया था। अहंकार इतना बढ़ चुका था कि अन्य विद्वानों को वो वेदों पर चर्चा करने बुलाते और उन्हें पुरस्कार दिखाने कहते थे। राजा ने एक बार अपने ही राज्य के ब्राह्मणों को उन दो परदोसी ब्राह्मणों के साथ वेदों पर चर्चा करने के लिए निमंत्रण भेजा। पर सच्चे विद्वान ज्ञानी अपने बुद्धि का कभी भी प्रदर्शन नहीं करते। उनका नम्र स्वभाव ही अनमोल होता है, क्योंकि विद्या को नम्रता से ही शोभा आती है, गर्व से नहीं। राजा का मान रखते हुए और वेदों का आदर करते हुए कुछ सच्चे ब्राह्मणों ने राजा को हम तैयार नहीं है ऐसा संदेश भेजा, और हम उन दो परदेशी ब्राह्मणों के साथ वाद विवाद करने में सक्षम भी नहीं है, ऐसे साफ साफ शब्दों में लिखा था। राजा ने अपने गांव के ब्राह्मणों को ही पुरस्कार दिया। ये देखकर परदेशी ब्राह्मणों को लगा, हमारे सिवा इस गांव में ज्ञानी कोई भी नहीं। इसी कारणवश उन्होंने राजा से जाने की अनुमति मांगी और लौट गए। यात्रा करते करते ये परदेशी ब्राह्मण कुमशी गाँव में आए। इसी गाँव में त्रिविक्रम भारती नाम के विद्वान जो वेदों में माहिर थे वो रहते थे। दो ब्राह्मणों ने त्रिविक्रम भारती से मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण दिया वेदों के विषय में चर्चा करने के लिए, और यदि आप चर्चा में तैयार नहीं है तो हम दोनों को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का विजय पत्र देकर अपनी हार स्वीकार कर लो। इस तरह से दो ब्राह्मणों ने सन्यासी त्रिविक्रम भारती को कहा। तब त्रिविक्रम भारती ने कहा, मैं एक सन्यासी साधारण व्यक्ति हूँ, भिक्षा मांग कर अपना पालन पोषण करने वाला, अपना पेट भरने वाला। मुझे तुम लोगों से चर्चा करना उचित नहीं लग रहा। इस पर दो ब्राह्मणों ने कहा, फिर हमें विजय पत्र देकर सर्वश्रेष्ठ घोषित करो। सन्यासी भारती ने कहा, गांगापुर में मुझसे भी बड़े ज्ञानी और वेदों के अभ्यासक रहते हैं। उन्होंने यदि मुझे कहा तो ही मैं आपको विजय पत्र दे सकता हूँ। क्या आप गांगापुर आने के लिए तैयार है? इतना कहने के पश्चात दो ब्राह्मण और एक सन्यासी, ऐसे तीनों मिलकर गांगापुर वेदों पर चर्चा करने आए। त्रिविक्रम ने स्वामी के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखा और कहा, स्वामी ये दो ब्राह्मण अति ज्ञानी हैं। मैंने इनसे वेदों पर चर्चा की नहीं, इसलिए इन्हें विजय पत्र देकर घोषित करना होगा। अब आप ही न्याय करें। स्वामी ने ब्राह्मणों से कहा, हम तो सर्व सामान्य सन्यासी है, हमसे विवाद क्यों? मुझे तो तुम दोनों जैसे ज्ञान भी नहीं, वेदों के अभ्यास भी नहीं। इस वेद चर्चा पर आपको कैसे समाधान मिलेगा? वेदों का अभ्यास बहुत विस्तारित है, उनमें विभाग और उपविभाग आते हैं। उसकी चर्चा करने के लिए समय भी पर्याप्त नहीं है। वेदों का अभ्यास कोई भी जीव उतना ही करता है जितनी उसकी वेदों से अपेक्षाएं हैं और जितनी उसकी समझ है। बाकी वेद तो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इतनी बात स्वामी ने उन दो ब्राह्मणों को बताई, पर उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। दोस्तों, 26वें अध्याय में इसके आगे की कथा आती है। 25वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।